कांग्रेस पार्टी सवाल और बवाल की पार्टी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह तंज कसा है कांग्रेस पार्टी के कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने पर। उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ट्वीट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये हमेशा भ्रम फैलाकर तनाव पैदा करते आए हैं, मुद्दा चाहे जो हो। नरोत्तम मिश्रा ने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि इनको टीका नहीं टिप्पणी चाहिए, भाजपा का टीका इनको पहले ही लग गया है और अब 2022 में फिर अखिलेश को टीका लगेगा जो 5 साल तक के लिए होगा। नरोत्तम मिश्रा ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि इनको समझना चाहिए कि ये भाजपा का टीका नहीं है, भाजपा का टीका इनको लग चुका है और अगला टीका 2022 के चुनाव में लगेगा जो 5 साल तक चलेगा। उनको यह समझना चाहिए कि ये टीका कोरोना वैक्सीन का है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनको टीका नहीं टिप्पणी चाहिए, ये अच्छे कार्यों की भी तारीफ करना नहीं चाहते। अखिलेश यादव जी ने भाजपा की वैक्सीन बताया उसे, ये भाजपा की वैक्सीन नहीं है, ये कोरोना की वैक्सीन है। भाजपा की वैक्सीन तो सन 2017 में लगी थी और उसका असर 5 साल रहता है, अब 2022 में फिर लगेगी, उसका भी असर 5 साल ही रहेगा। कृपा करके इनको इस टीके की जरूरत नहीं है, ये टीका नहीं चाहिए, ये टिप्पणी वाले लोग हैं, कम से कम इसमें तो राजनीति नहीं करें, कृपा करें। अच्छा दिग्विजय सिंह जी ट्वीट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये पूरी तरह से असत्य ट्वीट है। आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, क्षेत्र में वहां जाए, इलाके में कोई रिपोर्ट हुई है क्या? चल मान लो उस दिन खाली हो गया। दूसरा, ये भ्रम फैला के तनाव पैदा करना, ये इनका शगल है। ऐसे ही तो सीएए पे भ्रम फैलाया था कि 3 पीढ़ियों के कागज मांगे जाएंगे और नहीं दिखाए तो पाकिस्तान भगा दिए जाएंगे। उस समय के ट्वीट देख लो आप दिग्विजय सिंह जी की और अभी का देख लो, कमोबेश एक जैसे ही मिलेंगे। कांग्रेस को सवालों और बवालों की पार्टी बताते हुए नरोत्तम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से देश हित में कार्यों पर सवाल खड़ी करती आई है, फिर चाहे वो सेना का पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हो, राष्ट्रीय मुद्दे हो, किसान हो या कोरोना वैक्सीन हो, इनका ट्वीट करना काम रह गया है, ये बवाल खड़ा करके तनाव पैदा करते हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह के ट्वीट को पूरी तरह असत्य बताया और कहा ये कभी लोगों से मिलने नहीं जाते, इनका काम सिर्फ ट्वीट करना है। उन्होंने तो सीए के दौरान भी ऐसा ही भ्रम फैलाया था कि कागज नहीं दिखाओगे तो पाकिस्तान भेज दिए जाओगे, अब फिर वही कर रहे हैं। वो कांग्रेस के लोग वो हर उस अच्छी चीज पर सवाल खड़े करते हैं जो राष्ट्र हित में होती है। सेना ने घुस के पाकिस्तान पे हमला किया तो उन्होंने सेना पे ही सवाल खड़े कर दिए, चुनाव हारे तो ईवीएम पे सवाल खड़े कर दिए। अब विश्व के अंदर भाजपा की कोरोना के बारे में धाक जमी तो वैक्सीन पे सवाल खड़े कर दिए। ये सवाली और बवाली लोग हैं, बवाल काटना मूल बात है, उद्देश्य बवाल करना है, कोई भी अच्छा काम हो, और उसी की एक दिन किसान आंदोलन है जिसपे बवाल कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि टिप्पणी करना है उनको, टीका के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं आजकल। हुजूर कौन लगवाए कौन नहीं लगवाए ये दोयम विषय है, कभी तो तारीफ करना सीखो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।